तो जम्मू कश्मीर के बारामूला में हुए एनकाउंटर में 4 सुरक्षाकर्मी हमारे शहीद हुए थे। शहीदों में एक सेना के जवान थे, एक जम्मू कश्मीर के पुलिसकर्मी और 2 सीआरपीएफ के। सीआरपीएफ के दोनों शहीद बिहार से हैं। कल फिर फोन करने का वादा किया था लवकुश शर्मा ने, लेकिन फोन नहीं आया। आई तो शहीद होने की खबर। अब पिता के हाथ में सिर्फ शहीद लवकुश शर्मा की फोटो है। दादी तो कल है रात में हमारे 10 बजे। अच्छा, क्या बात हुई थी? ये बोले थे कि कोड नंबर हमें इधर से भेजेंगे तो बताना कि कोड नंबर पे कितना है। वही बताए थे, फिर बोलना कि अभी सिम्मा रहने देना, कल फिर फोन करेंगे। लवकुश शर्मा ने बारामूला में आतंकियों से लड़ते हुए शहादत दी है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल। जहानाबाद के रत्नी फरीदपुर प्रखंड के अईरा गांव में मातम छा गया है। शहीद जवान लवकुश ने 2014 में सीआरपीएफ की 119वीं बटालियन में सर्विस ज्वाइन की थी और 25 दिसंबर को छुट्टी में घर आए थे। जनवरी में छुट्टी काटकर वापस बारामूला लौटे। कल रात आखिरी बार पत्नी अनीता और पिता सुदर्शन शर्मा से बात हुई थी। पिता की शहादत सुनकर 9 साल का सूरज दुख में डूब गया है और 3 साल की अनन्या को तो एहसास भी नहीं कि उसके पिता जा चुके हैं। बिहार के एक और लाल मोहम्मद खुर्शीद खान भी बारामूला एनकाउंटर में शहीद हो गए हैं। खबर के बाद परिवार पर दुख का पहाड़ टूट गया है। घूसिया कला निवासी स्वर्गीय श्यामुद्दीन खान के सबसे बड़े बेटे मोहम्मद खुर्शीद खान साल 2002 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। 19 जून को ही वो छुट्टी से ड्यूटी पर लौटे थे, लेकिन वापस नहीं लौट पाए। वहाँ पे तो शहीद होने के लिए हैं, सर पे कफन बांध के ही वहाँ कश्मीर में जो भी सैनिक है कश्मीर पे सर पे कफन ही बांध के है और शहीद हुए हमारे भाई, हमें गर्व है। पूरा घोषणा कला परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहा है, लेकिन परिवार का रो रो कर बुरा हाल है।